सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर फाइव क्लास दसवीं हम समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें दो लगातार संख्या के बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा समान होता है जैसे फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी इसमें आप देख पाएंगे चार और आठ के बीच में चार का अंतर है आठ और बारह के बीच में चार का अंतर है बारह और सोलह के बीच में चार का अंतर है अर्थात समान अंतर होता है दो लगातार संख्याओं के बीच समान अंतर होगा जैसे माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस सेवन ये भी एक एपी का उदाहरण है एपी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेसन अर्थात समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी को ए पी से दर्शाया जाता है जैसे नब्बे अस्सी सत्तर साठ ये भी एक ए पी का उदाहरण है इस प्रकार से समांतर श्रेणी में दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है जो अंतर निकलता है उसे सार्व अंतर के नाम से जानते हैं यहाँ पे देख रहे हैं नब्बे और अस्सी के बीच में दस का अंतर है अस्सी सत्तर के बीच में दस का अंतर है समांतर श्रेणी ए पी के पदों को ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए एन से दर्शाया जाता है जिसमें ए वन का अर्थ हुआ प्रथम पद ए टू का अर्थ होता है द्वितीय पद एन का अर्थ होता है एनवा पद अर्थात पहला पद कहने का तात्पर्य है ए वन या ए द्वितीय पद ए टू तीसरा पद ए थ्री चौथा पद ए फोर पाँचवा पद ए फाइव एनवा पद एन एनवा पद एन इस तरह से पद लिए जाते हैं अर्थात समांतर श्रेणी में पद ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए एन इत्यादि लिए जाएंगे याद रखेंगे एनवा पद को ए एन से दर्शाया जाएगा एनवा पद जैसे दसवा पद अब हम देखेंगे सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस डी सार्व अंतर निकालने के लिए हमेशा दूसरे पद से पहला पद को घटाया जाएगा जैसे d बराबर ए, 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 ए टू माइनस ए वन डी बराबर ए थ्री माइनस ए टू डी बराबर ए फोर माइनस ए थ्री चौथे में तीसरा पद घटा दिया तो क्या निकल गया d निकल गया d बराबर ए फाइव माइनस ए फोर पाँचवें पद में चौथा पद को घटा दिया तो क्या निकल गया d निकल गया इस प्रकार ए टू माइनस ए वन बराबर ए थ्री माइनस ए टू बराबर ए फोर माइनस ए थ्री बराबर ए फाइव माइनस ए फोर इस तरह से डी जो है निकाला जाता है अब हम ए पी के एनवा पद को ज्ञात करने के सूत्र के बारे में जानेंगे एनवा पद किसी एपी का एनवा पद जैसे दसवां पद पाँचवा पद निकालने का फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जिसमें एन पदों की संख्या को दर्शाता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जहाँ एन पदों की संख्या है डी सार्वांतर है तथा ए प्रथम पद है याद रखेंगे एन पदों की संख्या है ए प्रथम पद है और डी शार्व अंतर है एनवा पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है जहां एन बराबर पदों की संख्या ए प्रथम पद होगा डी सार्वंतर होगा अब हम इन पदों का योग अर्थात एस एन के बारे में जानेंगे एस एन बराबर एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू ए को ए प्लस ए लिखा जा सकता है अर्थात एस एन बराबर एन बाय टू इंटू ए प्लस ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के जगह पर एन लिख दिया गया है तो एस एन बराबर आया है एन बाय टू इंटू ए प्लस ए एन इस प्रकार से एन पदों का योग के लिए दो सूत्र हुआ पहला एस एन बराबर एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एक प्रश्न है फाइव पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर दो का सी जिसमें प्रथम पद चार और सार्वंतर माइनस तीन है अन्य चार पद ज्ञात करने हैं तो ए टू बराबर ए प्लस डी होगा चार चार्वंतर जोड़ देंगे मतलब फोर प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस हुआ चार में तीन घटा दिए एक आ गया इसी तरह से ए थ्री बराबर ए प्लस टू डी सार्वंतर को दो बार जोड़ो या दो से गुना कर लो और प्रथम पद में जोड़ दो तो तीसरा नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा डी का रख दिए माइनस तीन तो फोर प्लस माइनस माइनस हुआ दो तैया छः हो गया हल करने पर ए थ्री का वैल्यू माइनस टू प्राप्त हुआ इसी प्रकार से जब चौथा पद प्राप्त करना होगा ए फोर बराबर ए प्लस थ्री डी होगा सार्वंतर को तीन बार गुना करेंगे और प्रथम पद में जोड़ देंगे प्लस माइनस माइनस हुआ ए फोर बराबर फोर प्लस थ्री इंटू डी का हो गया माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस हुआ थ्री थ्री जा नाइन हुआ प्लस माइनस माइनस करेंगे नाइन में फोर लेस कीजिएगा तो आपका माइनस फाइव आ जाएगा इस प्रकार चौथा पद आपको प्राप्त हुआ माइनस फाइव फिर से देखेंगे यदि आपको दूसरा पद प्राप्त करना है तो प्रथम पद ए में डी को जोड़िए यदि आपको तीसरा पद प्राप्त करना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस टू डी चौथा पद प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस थ्री डी पाँचवा पद प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस फोर डी छठा पद प्राप्त करने का फॉर्मूला होगा ए प्लस फाइव डी सातवें पद के लिए फॉर्मूला होगा ए प्लस सिक्स डी इस प्रकार याद करेंगे फिर से याद रखेंगे पहला पद ए हुआ सार्वंतर डी हुआ तो ए वन बराबर ए ए टू के लिए ए प्लस टू डी इसी तरह से करेंगे सॉरी ए टू के लिए ए प्लस डी सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए